अंग शास्त्र, जिसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, इसमें मनुष्य के हर अंग के फड़कने के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताए गए हैं। दरअसल व्यक्ति के शरीर में ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो आने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही भांप लेता है। अंगों का फड़कना भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में संकेत देता है। ये संकेत शुभ व अशुभ दोनों होते हैं। तो दोस्तों, इसी बीच आज हम आपको नाक के फड़कने के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाक के दाईं तरफ के भाग के फड़कने के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की दाईं ओर की नाक फड़कती है तो इसे शुभ संकेत माना गया है। अगर नाक का दायां भाग फड़कता है तो समझ जाइए कि कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। इतना ही नहीं, व्यापार में नए धन लाभ के स्रोत उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं बाईं तरफ नाक फड़कने की। शास्त्रों का मानना है कि नाक के बाएं भाग के फड़कने पर व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है, साथ ही अपार धन की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति का नाक का बायां भाग फड़कने का मतलब कि संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसके अलावा अंग शास्त्र के मुताबिक नाक के सामने वाले भाग में होने वाली फड़फड़ाहट शुभ नहीं मानी गई है। इस भाग का फड़कना किसी बड़ी मुसीबत या किसी लंबी बीमारी का संकेत माना गया है। तो वहीं अगर किसी व्यक्ति के नाक के दाएं बाएं भाग के अलावा अगर नाक के अंदर का भाग फड़के तो समझ जाना चाहिए कि ये आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत है। जिस व्यक्ति का ये भाग फड़कता है तो उसे बहुत ही जल्द किसी बड़े सुख की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर नाक के नथुने फड़कते हैं तो शास्त्रों के मुताबिक इसे बेहद ही शुभ शकुन माना गया है। व्यक्ति के नाक के नथुने फड़कने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं नाक के जड़ की। अगर किसी इंसान की नाक की जड़ फड़कती हो तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। नाक की जड़ का फड़कना इस बात की ओर संकेत देता है कि आने वाले समय में आपका किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा होना तय है, साथ ही धन हानि भी हो सकती है। चलिए अब आपको शरीर के बाकी अंगों के बारे में बताते हैं। सामुद्रिक शास्त्र की माने तो अगर आपके दोनों गाल एक साथ फड़कने लगे हैं तो समझ जाइए कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। तो वहीं दाएं कंधे का फड़कना भी धन की प्राप्ति का संकेत देता है। लेकिन अगर किसी के दोनों कंधे एक साथ फड़कते हैं तो ये किसी के साथ आपकी बड़ी लड़ाई को दर्शाता है। किसी इंसान का होंठ फड़कना उसके जीवन में नए दोस्त के आने का संकेत देता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर आपके सिर का पिछला हिस्सा फड़कता है तो समझ लीजिए कि आपका विदेश जाने का योग बन रहा है और वहां आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है। अगर आपके सिर के अगले हिस्से में फड़कन हो रही है तो ये स्थिति धन मान प्राप्ति का कारण बन सकती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।